Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में हम चिकन तंदूरी बनाएंगे घर पर, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन को जो कट कराया है उसको तंदूरी के साइज़ में ही कट कराया है। और हमारे प्रोसीजर में दो मैरिनेशन होंगे। फर्स्ट मैरिनेशन होगा, उसके बाद हम सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। आधा नींबू मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से उसके सारे मसाले एंड जो भी क्वांटिटी रहेगी सब उसके हिसाब से होगा। अब इसे अच्छी तरीके से पूरा अंदर अंदर हम सब जगह लगाकर इसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। सारे पीसीस पे अच्छे से हम इसे लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो जाने के बाद हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची से कलर काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद ज़रा सी हल्दी और काली मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे हम। हल्दी एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा मैदा ऐड करेंगे, और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे, और जो हमने चिकन में कट किया है उसके कट में भी अच्छे से सारा मसाला भरेंगे इस तरीके से, ताकि अंदर तक मसाला पूरा जाए। इस सभी चीज़ों के बाद हम इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। मस्टर्ड ऑयल से चिकन अच्छा मॉइस्ट रहेगा, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसे भी हम अच्छे से पूरा कोट कर लेंगे ऑयल को मसाले के साथ चिकन में, दोनों हाथों का यूज़ होगा तभी हम पूरा मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से लग पाएगा और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो पाएगा। और ये चिकन तंदूरी बनाने से हमें लगभग 2 से 3 घंटे पहले सब मैरिनेट करना है। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, वरना उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आएगी, तो चिकन का जो मज़ा है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा ही गरम मसाला ऐड करेंगे। और हमने यहाँ पे हंक कड़ी ली है। हंक कड़ मतलब दही को पहले कपड़े में इस तरीके से रख के उसका पानी सारा निकाल लेना है, तो दही कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बिना पानी की दही हमें यूज़ करनी है, जिसे इंग्लिश में हंक कर्ड कहते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से चिकन को पूरा लपेट देंगे इस दही में। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे अच्छे से पूरा कवर करना है दही से। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे हो जाने के बाद कोयले को गर्म करने के लिए रख देंगे, और नॉनस्टिक फ्राई पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम हमारा तंदूरी चिकन पीस जो है वो इस तरीके से फ्राई होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी इसे ग्रिल कर सकते हैं 20 to 25 मिनट्स के लिए।
इस तरीके से पकाएंगे एंड इसके बाद जो भी मसाला लगा है उसको वापस से चिकन के ऊपर ही लगा देंगे, जो भी इधर उधर गिरेगा। एंड जब वो एक साइड से पकेगा तो हम उसे फ्लिप कर देंगे इस तरीके से। एक साइड से ये पक चुका है। हमारे पास तंदूर नहीं है तो हम यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं हॉट नेट। ये आसानी से कोई भी होम अप्लायंस की शॉप पे मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो मैं इस पे हमारा तंदूर के टाइप्स का फ्लेवर इसमें हम लाएंगे, तो मैं इसको इस तरीके से चिकन को इस पे पकाऊंगी। हॉट नेट कहते हैं इसे, इस तरीके से। और इस पे हम ऑयल लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम इसमें कोयले का तड़का देंगे, जब एक बार वो हो जाए उसके बाद कोयला रख के इस पे तेल या फिर घी हम डालेंगे। मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ। और इसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तो उसका जो फ्लेवर एकदम तंदूर वाला फ्लेवर आएगा। एंड माशाल्लाह इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए। और चिकन हमारा जो है वो पूरा अंदर तक पकेगा अगर आप उसको हॉट नेट पे पकाएंगे तो, एंड कोयले के बघार के बाद वो एकदम तंदूर वाला फ्लेवर हो जाएगा। सो माशाल्लाह से हमारा चिकन तंदूरी घर पे रेडी है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छी रहेगी रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।